उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी ने प्रदेश व्यापी धरना देते हुए किसानों की समस्या को उठाया और प्रदेश के सभी जनपदों तहसीलों पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों परेशानी झेल रहे किसानों की मांग सरकार के सामने रखने के लिए समाजवादी पार्टी के हाईकमान द्वारा सभी जिलों में धरना प्रस्तावित किया था। इस कड़ी में आज मुरादाबाद की सदर तहसील के गेट पर सपा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए थे। इन प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर आलू से भरे बोरे रखे हुए थे। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि भाजपा सरकार में आलू किसानों की हालत बदतर हो गई है और यही हालत प्रदेश के सभी किसानों की है। तहसील गेट के सामने मंच बनाकर सभी नेताओं ने जमकर भाजपा सरकार को कोसा और आने वाली 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की बात भी माइक में कही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश की हर तहसील पर धरने का आयोजन किया गया है। आज उत्तर प्रदेश का किसान त्रस्त है, उत्तर प्रदेश का हर आमजन त्रस्त है। आज उत्तर प्रदेश में आलू का किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। जो आलू की कीमतें थी आज जमीन पर गिरी हुई है बिल्कुल, और आलू किसान आज अपने जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ आलू है उसे फेंकने को सरकार मजबूर हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली में लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन हुए, उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने आलू सब जगह फेंके। इसी प्रकार गेहूं की कीमतें हैं, गेहूं की कीमतें जो MSP होना चाहिए वो गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है और इस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश का किसान बेहाल है। अच्छा ये बताओ, ये दो दिन पहले भीखा महिला की मौत हुई थी, उसका समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? मजौला थाना क्षेत्र में एक अमीर जहाँ की भीख से मौत हुई थी, भूख से मौत हुई है। ये उत्तर प्रदेश में जो है एक पहला वाकया नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाकया हैं जब जो उत्तर प्रदेश के लोग भूख से मरे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, महिलाओं की मदद की है, छात्रों की मदद की, नौजवानों की मदद की है। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार में जो 5 साल सरकार रही माननीय अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में, कभी किसी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का किसान बेहाल है, उत्तर प्रदेश का मजदूर बेहाल है। और जिस तरीके से आपने देखा मुरादाबाद में भी एक महिला की मौत हुई है, आज उन सभी मुद्दों को लेकर, ये मुद्दा हमारे बीच में, आज इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।